लद्दाख में सख्ती से चीन के साथ पेश आ रहे भारत ने अब उसे सामरिक के साथ आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए देश में 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है और गूगल को अपने प्ले स्टोर से उन सभी ऐप्स को हटाने का आदेश दिया है। भारत की इस कार्रवाई से चीन घबरा गया है और इस पर दुख जताते हुए स्थिति पर नजर रखने की बात करने लगा है। अभी तक गलवान में हेकड़ी दिखा रहा चीन भारत के इस एक्शन के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देने लगा है। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीनी सरकार हमेशा से अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों को पालन करने को कहती रही है। भारत सरकार को चीन समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारत ने चीन को सबक सिखाने की शुरुआत कर दी है। एक ही दिन में सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन तैयारी इससे कहीं आगे की है। जल्द ही सरकार कुछ ऐसे फैसले लेने वाली है जो ड्रैगन को फूटी आंख नहीं सुहाएंगे। भारत ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से चीनी इक्विपमेंट्स को ना यूज करने के लिए कहा है। वहीं 5G को लेकर भी फैसला जल्द होने वाला है। भारत में 5G नेटवर्क के लिए चीन की कंपनियों के इक्विपमेंट्स यूज करने पर बैन लगाया जा सकता है। इसके अलावा कारोबार के लिहाज से चीनी उत्पादों के इम्पोर्ट को कम करने के लिए भी नियम तैयार किए जा रहे हैं। इस बारे में भारत सरकार के टॉप मिनिस्टर्स की उस मीटिंग में भी चर्चा हुई जिसमें 59 चीनी ऐप्स को बंद करने पर फैसला लिया गया। सीनियर मंत्रियों की बैठक में हुआवे और अन्य चीनी कंपनियों के 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने पर चर्चा हुई। स्पेक्ट्रम की नीलामी कोरोना वायरस के चलते कम से कम साल भर के लिए टल चुकी है। मीटिंग में अन्य बिडर्स जैसे वोडाफोन आइडिया पर भी चर्चा हुई। हुआवे को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में बैन कर रखा है। साथ ही अमेरिका इस कोशिश में भी है कि यूनाइटेड किंगडम और भारत जैसे सहयोगी देश भी इस चीनी कंपनी को बैन कर दें। हुआवे के फाउंडर के चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से सांठगांठ होने का शक हमेशा से रहा है। सरकार 10-12 उत्पादों के इम्पोर्ट को लाइसेंस करने की भी सोच रही है। इस बारे में कई महीने पहले ही काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन हालिया तनाव के बाद इसमें तेजी आई है। शुरू में इसमें अगरबत्ती, टायर और पॉम ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स थे, मगर अब इसमें एयर कंडीशन और टेलीविजन जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद भी शामिल किए गए हैं। सरकार का फोकस एयर कंडीशनर और इसके कंपोनेंट्स का इम्पोर्ट कम करने की है ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम, फुटवियर, आलू, संतरा उन उत्पादों में है जिसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव देने की तैयारी है। सरकार की तरफ से उन उत्पादों की लिस्ट तैयार की गई है जिनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है। इसमें लिथियम आयन बैटरीज, एंटीबायोटिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटो और मोबाइल पार्ट्स, खिलौने, स्पोर्ट्स गुड्स, टीवी सेट्स, सोलर इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स शामिल हैं। भारत में चीन से कई चीजों का इम्पोर्ट होता है। सरकार इस इम्पोर्ट को भी कंट्रोल करने की तैयारी में है। इम्पोर्ट को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। कभी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तो कभी टेक्निकल पेंच फंसा दिए जाते हैं ताकि कुछ खास उत्पाद ही इम्पोर्ट किए जा सकें। लाइसेंसिंग एक टेक्निकल तरीका है, इससे चुनिंदा देशों के इम्पोर्ट को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही तय पोर्ट से सामान की एंट्री पर माल की निगरानी में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।